तुम दावर से क्लिनिक मिलने गई थी? हाँ, वो काम था तो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम हॉस्पिटल आई थी? देखने गई थी कि किस हद तक जा सकती हो तुम। अगर इतना ही हीरोइन बनने का शौक है तो मेरे एक्स हस्बैंड को छोड़ क्यों नहीं देती? निकल जाओ उन दोनों के बीच में से। और वैसे भी जब तक तुम हमारे दरमियान में रहोगी, वो मेरे बारे में कैसे सोचेगा? माम, अगर तुमने दावर को ना छोड़ा होता तो आज मैं उनकी जिंदगी में नहीं होती। तुम्हारे उस घर में रहने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मेरी जरूरत अब भी है उनको। अगर तुमने हम दोनों की बात सुनी है तो ये भी सुना होगा कि दावर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नहीं है, तभी तो एक घर में रहते हुए भी इतने फासले हैं तुम दोनों के दरमियान। पर हाँ, दावर मेरे लिए बोल देते हैं ऐसी बातें गुस्से में। उनका गुस्सा वक्त ही है, मैंने इतना बुरा भी तो किया उनके साथ। लेकिन एहसास हो गया है मुझे, अब मैं उस घर में जाऊंगी तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक बार सलमान मुझे छोड़ दे और तुम भी दावर से दूर हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। दावर मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। हाँ, मासूम बन गई होगी ना उसके सामने। काश मुझे भी तुम्हारी तरह मजलूम बनना आता। वहां मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि काश तुम मेरी तरह होती। अरे वाह, बड़ा खुमार चढ़ गया खुद पे। हाँ, उतर जाएगा। अब से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो।